हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। इसके पहले वाले क्लास में व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमने डिस्कस किया इम्यूनोलॉजी के अंदर इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। आज का ये वाला प्रेजेंटेशन आपके उस बेसिक कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने में काफी मदद करेगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है और इसके क्या एडवांटेज और क्या लिमिटेशन होती है। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके साथ एंटीजेनिक इन्फेक्शन का आना स्टार्ट होगा। तो ये कोई एंटीजन है जो कि आपकी बॉडी में एंटर करने वाला है और इस एंटीजन के इफेक्ट को कम करने के लिए हमारी बॉडी विशेषतर खास करके एक्वायर्ड इम्यूनिटी से पहले इननेट इम्यूनिटी अपना काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इननेट इम्यूनिटी, जिसको हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, अपना प्रोटेक्शन करें। इसके लिए आपके बॉडी में काफ़ी सारे पार्ट्स, काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, उनमें से एक एक करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा टीयर। ये जो आंखों से निकलने वाले टीयर हैं, इनमें भी कुछ बेसिक तरह के ऐसे सिस्टम होते हैं जो इम्यूनिटी से हमें बचा करके रखेंगे। सलाइवा हो गया या म्यूकस भी आगे देखेंगे आप, वो भी हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन करता है। ये रहा नाक से निकलने वाला या आपके आगे जाकर के लंग से निकलने वाले म्यूकस, जो कि बाहर से आने वाले एंटीजन को ट्रैप करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें आपकी बॉडी के सबसे बड़े डिफेंसिव सिस्टम की, सबसे बड़े ऑर्गन की, तो वह है हमारा स्किन। ये जो स्किन है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है और यूं कहूं कि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को पूरा करने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट बैरियर होता है। सो दिस इज फर्स्ट लाइन बैरियर ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट लाइन बैरियर कहने का मतलब है जो हमारी बॉडी को पहले बचाएगा। इसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करें तो देखिए, ये हमारे कुछ बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होने वाले ब्लड्स हैं, तो इनमें भी कई तरह के हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पाए जाएंगे। उनमें से हमारा जो पहला है वो है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के बारे में भी हमने देखा कि कैसे ये आने वाले एंटीजन को इंगल्फ करने का काम करता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बेसिकली हमारी बॉडी को स्टार्टिंग में बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इसलिए ये पार्ट हो गया हमारे इननेट इम्यूनिटी के। तो यहां पे मैं एक लाइन और लिखता हूं, स्किन जो कि एक लार्जेस्ट बॉडी का डिफेंसिव पार्ट है, फर्स्ट लाइन मैकेनिज्म है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है ऐसे चीजों से जो बाहर से आते हैं जो कि हमारे बॉडी के पार्ट नहीं है, और इसे हम लोग जनरली भाषा में कहते हैं एक्सटर्नल एंटीजेनिक सब्सटेंस, जो कि आगे जाकर के आपकी बॉडी को अटैक करेंगे। तो ये अगर एक्सटर्नल एंटीजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। सो देर विल बी अ नो इन्फेक्शन और देर विल बी अ नो एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी के जो इननेट है या जो नेचुरल इम्यूनिटी है, इसने हमें बचा करके रखा। तो ये हो गया इननेट। अब हम बात करते हैं आपके एक्वायर्ड की। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एंटीजन का। पहला भी एंटीजन में लिया था, वो नॉर्मल था, नॉन स्पेसिफिक था, लेकिन यहाँ पे जो एंटीजन है वो स्पेसिफिक है। ये एंटीजन हम लोग मान के चलते हैं स्पेसिफिक है और इसके लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, तो वो है कंसिडर करते हुए चिकन पॉक्स का। ये रहा हमारा चिकन पॉक्स का एंटीजन। चिकन पॉक्स का एंटीजन जब कभी भी हमारी बॉडी में आगे जा करके एंटर करेगा तो ये बॉडी के लिए पहला एनकाउंटर है। इस तरीके से ये बॉडी में एंटर करने वाला है तो बॉडी के लिए ये बिल्कुल नया है, इसलिए बॉडी इसके अगेंस्ट में प्रॉपर एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी, इसलिए हमको इन्फेक्शन हो जाएगा और हमको चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। पर यहाँ पे मैं पहले से क्लियर कर दूं, जब कभी भी फ्यूचर में हमको इस तरह के चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन दोबारा आएगा तो हम इससे बच जाएंगे। तो ये जो चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में एंटर किया, इसके बाद हमारी जो इननेट इम्यूनिटी है वो इसके अगेंस्ट में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, वो वहाँ पे फेल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इननेट इम्यूनिटी इज नॉट सफिशिएंट। और जब कभी भी हमारी इननेट या नेचुरल इम्यूनिटी इस एंटीजन के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं होती है तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि हमें उस एंटीजन का इफेक्ट अपनी बॉडी में देखने को मिलता है। सो इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, और जब कभी भी इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा तो इससे हमारे जो हेल्थ के परस्पेक्टिव बात करेंगे तो हमारा हेल्थ थोड़ा सा डाउन होने लगेगा। So this will inhibit the health growth of our body. यहाँ पे health properly maintain नहीं रह पाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये जो infection है वो आगे जाके develop करेगा आपके लिए acquired immunity को, क्योंकि आपकी innate immunity ने तो जवाब दे दिया। So body will start developing the acquired immunity. ये इसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि आप जानते हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है। सो ये जो बॉडी है वो आगे जाकर के मेमोरी सेल की मदद से इनको रिकॉग्नाइज करेगी। ये जो मेमोरी है वो इसको याद रखेगी वो किस तरह का प्रॉब्लम है, और फिर हम कुछ हमारी बॉडी में चलने लगेगा। तो यहाँ पे ये जो डॉट डॉट बन रहे हैं वो हमारी मेमोरी सेल ने इसको मेमोराइज किया।
अब एक बार और याद करते हैं कि ये चिकन पॉक्स का जो एंटीजन है वो कुछ सालों बाद वन ईयर लेटर ये जो आपकी बॉडी में फिर से एंटर करेगा ईयर लेटर, तो क्या होगा जब कभी भी हमारी बॉडी में ये चिकन पॉक्स का जो एंटीजन है वो एंटर करेगा तो हमारी मेमोरी सेल ने तो इसको ऑलरेडी याद किया ही हुआ है, तो अब हमारी बॉडी परेशान नहीं होगी और इस स्पेसिफिक एंटीजन से बचा कर रखेगी हमको, क्योंकि मेमोरी सेल ने तो याद कर लिया है कि ये चिकन पॉक्स है, उसके अगेंस्ट में मैंने पहले से भी एंटीबॉडी बना ली है, सो बॉडी विल बी प्रोटेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ एंटीजन बाय फॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम दैट इज सिंपली नोन एज अ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहां पे बॉडी रिकॉल करेगी हमारे पुराने एंटीजन को जिसके कारण से इन्फेक्शन हुआ था, और उस पुराने एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी ने जो एंटीबॉडी बनाया था उसको वो बनाना स्टार्ट कर देगी। इस तरीके से उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिला। तो ये था इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।